एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी की सूची में गोरखपुर में दूसरे उत्पाद के रूप में रेडीमेड गारमेंट को शामिल किया गया है। जनपद में रेडीमेड गारमेंट उद्योग को लेकर अपार संभावनाएं हैं और इसी कारण रेडीमेड उत्पाद को भी ओडीओपी में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि जनपद में धागा बनाने के साथ ही बड़े पैमाने पर कपड़े का निर्माण भी किया जाता है। छोटे बड़े मिलाकर 6000 से अधिक पावर लूम इस क्षेत्र में है। 3 बड़े प्रोसेस हाउस भी यहां संचालित होते हैं। साल में करीब 3 करोड़ मीटर स्कूली ड्रेस के कपड़े का उत्पादन होता है। रसूलपुर, पिपरापुर, गोरखनाथ, जहीदाबाद, बरगदवा के क्षेत्र में लगभग 2000 लघु उद्यमी रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय में लगे हुए हैं। गीडा एवं जिले के अन्य स्थानों पर भी रेडीमेड गारमेंट की 1 दर्जन से अधिक इकाइयां हैं। महिलाओं का समूह भी अलग अलग तरह के कपड़े तैयार करता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोअर, अपर, टी शर्ट आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है और यह स्थानीय ब्रांड भी बन चुका है। ओडीओपी में शामिल हो जाने के बाद उद्यमियों को आसानी से ओडीओपी के तहत लोन प्राप्त हो जाता है। कारीगरों को बड़े पैमाने पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाकर इस उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चैम्बर ऑफ गारमेंट के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट से लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और कारीगरों को अन्य प्रदेशों में काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इस संबंध में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत शरिया ने बताया कि रेडीमेड सेक्टर से जुड़े कारीगरों की संख्या भी इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक है। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट का हब बन जाने से इसी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस संबंध में उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा का कहना है कि रेडीमेड गारमेंट्स को ओडीओपी में शामिल किया गया है और बड़े पैमाने पर कार्य भी शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर अपार संभावनाएं हैं। ओडीओपी में शामिल होने के बाद इस उत्पाद को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चैम्बर ऑफ गारमेंट्स के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया और उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा ने कहा। रमाशंकर शुक्ला, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने रेडीमेड गारमेंट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया। आप बता दें, गोरखपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि सर्वाधिक कंजम्पशन का यह बेल्ट है। मैंने दिल्ली से, लुधियाना से और महाराष्ट्र से सब यहाँ पर गारमेंट आते हैं और यहाँ से केवल सेल पॉइंट है। अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल करने से काफ़ी लोगों में उत्साह बना है और गीडा, खास करके गीडा जो है, गीडा में करीब 100 से ऊपर भूखंडों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 सप्ताह के अंदर पूरी भी कर ली जाएगी। साथ साथ फ्लैटेड फैक्ट्री, उसका भी निर्माण जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है, उसकी भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो मिला के देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो प्रयास रहा वो काफ़ी सराहनीय है और इस पहल से सबसे बड़ा जो रोजगार का एक हब होगा वह गोरखपुर आने वाले समय में बनने वाला है। गोरखपुर में उद्योगों के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है और रेडीमेड गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है और यहाँ पर कुशल कारीगर की उपलब्धता है और आसपास में इसके लिए बड़ा मार्केट भी है। बिहार है, बंगाल है, ये सब मिलाकर के मार्केट की भी बड़ी सुविधा है। इसलिए अगर इसका विकास किया जाएगा यहाँ तो बहुत लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो कम पूंजी में बड़ा रोज़गार मिलने के अवसर ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट का ये एक तरीके से हब बन जाए तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और इसी के लिए प्रयास किया गया है। इसको ODOP में भी सरकार ने मान्यता दी है, इसलिए एक संभावना और ज़्यादा बनी है इसमें और
ये सेक्टर एक ऐसा है जिसमें कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावना बनी है। तो हमारा अनुमान है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए, वीडा भी प्रयास कर रही है इसके लिए, जगह भी दे रही है, फ्लैटर फैक्ट्री भी बना रही है, तो अगर ये जिस दिन पूरा हो जाएगा, अब मेरा अनुमान है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक वर्ष में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। कारीगर की और दूसरी चीज़ें सामान की, कपड़े की व्यवस्था होनी, तो कारीगर और कपड़े कितनी उपलब्धता अभी तक है? देखिए, यहाँ कारीगरों की उपलब्धता है, यहाँ कुशल कारीगर हैं, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वो हम लोग उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करेंगे, और कपड़ा भी यहाँ बनता है, और कुछ और भी आवश्यकता होगी तो यहाँ कपड़ा भी बनाने की व्यवस्था है, यहाँ लूम्स हैं, यहाँ डाइंग हाउस है, इसलिए यहाँ कपड़े की उपलब्धता में कठिनाई नहीं आएगी। और मतलब अगर समग्रता में देखें तो इसकी संभावना बहुत अच्छी है। सर, मार्केट कितना? मार्केट बहुत बड़ा है, गोरखपुर और नियर बाई अगर जोड़ दें, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार, एक तरफ नेपाल, ये सब मिलाकर के कम से कम 10 करोड़ की आबादी जो है वो गोरखपुर से प्रभावित होती है। तो इतनी बड़ी मैं तो पूरे दुनिया के बहुत से कंट्री नहीं है जितनी बड़ी की आबादी हमारे इस क्षेत्र की है, इसलिए मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोजगार उपलब्ध होगा लोगों को, बेरोजगार बहुत बड़े मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा, ये हमारा अनुमान। सर, एक जनपद एक उत्पाद में रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल किया गया, उसके पहले टेराकोटा था, उसमें तो पूर्वांचल में देखा जाए तो गोरखपुर में खास करके तो रेडीमेड के काफ़ी उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं, और इस तरह की संभावना देखते हुए सरकार ने लागू किया था, तो क्या है सर? रेडीमेड गारमेंट को 24 अक्टूबर 2020 में अतिरिक्त उत्पाद के तौर पर गोरखपुर में जोड़ा गया है। इसमें जो ODOP की स्कीम्स हैं, जैसे एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, इसमें 1.5 करोड़ से ऊपर तक का ऋण देने का प्रावधान है, और इसमें 1 लाख से लेकर 25 लाख में 25% तक सब्सिडी, 25 लाख से 50 लाख में 6.25 लाख या 20%, विच एवर इज़ हाई। इसी तरह से प्रोविज़न है कि इनको हम लोग सब्सिडी देके लाभान्वित करें। इस दिशा में विभाग द्वारा बहुत से ऐसे उद्यमी जो फॉर्म भर रहे हैं उनको लाभ दिया जा रहा है, सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। रेडीमेड गारमेंट में एक सेक्शन और था कि फ्लैट एंड फैक्ट्री की स्थापना की जाए गीडा में भी, तो गीडा में इस दिशा में MSME की टीम अभी 1.5-2 महीना पहले आई थी और वहाँ जगह चिन्हित हो चुका है। और अगर राजकीय औद्योगिक आस्थान मखमलपुर की बात करें तो यहाँ पर हथकरघा और रेशम की जो आवंटित भूमि है उस पर यह हुआ कि साहब इस पर कोई अगर काम नहीं हो रहा है तो इसको एक प्रस्ताव बना के DM साहब से शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। उस दिशा में भी विभाग द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को प्रेषित कर दिया गया है, जैसे ही वहां से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना रोजगार का इसमें अवसर मिल सकता है रोजगार? देखिए, रेडीमेड गारमेंट में जो एक सेक्शन है कि एक स्कीम और है ODOP की, प्रशिक्षण और टूलकिट योजना, इसमें जो हमारी आधी दुनिया महिलाएं हैं और महिलाओं की आबादी तो आधी है ही, तो इसमें हम लोग की कोशिश दिशा में रही है कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस प्रशिक्षण और टूलकिट कार्यक्रम से जोड़ा जाए ताकि वह स्वावलंबी हो सकें और अपनी छोटा लघु और कुटीर उद्योग स्थापित कर सकें। इसमें रोजगार की असीम संभावना है, संख्याओं से नहीं जोड़ा जा सकता इसको। इसमें जितने प्रशिक्षण होते जाएंगे उतने रोजगार मिलता जाएगा, जितना लोन मिलता जाएगा उतने लोग इससे जुड़ते जाएंगे। तो सब्सिडी सर अभी तक कितना है, क्या कुछ इसमें? सब्सिडी जो एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण में भौतिक लक्ष्य 68 का प्राप्त हुआ है और वित्तीय लक्ष्य 170 लाख का, जिसमें 170 लाख में से 70 लाख रुपया भी जनपद को प्राप्त हुआ है, और उस 70 लाख के अगेंस्ट में 76.25 सब्सिडी सैंक्शन हो चुकी है और 32.75 लाख सब्सिडी रिलीज की जा चुकी है।